लॉकडाउन का चौथा दिन है देश भर में और देश भर की दुकानें सभी बंद हैं, सड़कें खाली हैं, लेकिन अभी भी मजदूर पैदल ही पलायन में लगे हुए हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, देश भर के बाल मजदूर गृह में यह मांग की गई है कि 3 सप्ताह की लीव दी जाए। माफ कीजिएगा, यह चंडीगढ़ की बात है, देश भर में नहीं बल्कि चंडीगढ़ में यह मांग की गई है। राज्य बाल संरक्षण मजदूर की ओर से यह मांग की गई है। कोरोना के चलते बाल संरक्षण आयोग ने यह मांग की है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चेयरमैन जस्टिस को पत्र लिखा है और हरियाणा के राज्य ऑब्जर्वेशन होम और स्पेशल होम में बच्चों की संख्या को लेकर यह जो है सवाल खड़ा किया गया है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाल सुधार गृहों में 3 हफ्ते की छुट्टी की मांग की गई है। कोरोना के चलते बाल संरक्षण आयोग ने मांग की है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और बाल संरक्षण आयोग ने मांग की है कि सभी बाल संरक्षण गृह में 3 हफ्ते की छुट्टी दी जाए। कोरोना का कहर जिस तरीके से देश भर में बढ़ता जा रहा है, कोरोना अपने पैर पसार रहा है, इसी के लिए बार बार जहां पर भी गैदरिंग हो रही है वहां पर ये मांग रखी जा रही है कि गैदरिंग से बचने के लिए या तो छुट्टी कर दी जाए या इस तरीके के इंतजाम किए जाए। अगर हम प्रदेश के जेलों की बात करें तो वहां पर भी फरलो दी गई है, पैरोल दी गई है जो कैदी हैं, इसीलिए एक मांग ये भी सामने रखी गई पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सामने।